तो गाड़ी है हमारे पास रेनॉल्ट स्क्विड और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जिसका ये स्टार्टर जो है क्लच मोटर जो है गियर को जो है ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हमने जो है इसको क्लच मोटर खोली है। ये हमने 12 वोल्ट जो है सप्लाई दी है इसको चेक करने के लिए बाहर, क्योंकि गाड़ी में तो काम नहीं कर रहा, तो हमने बाहर चेक करते हैं पहले इसको। देखिए 12 वोल्ट हमने जो है सप्लाई दिया इसको, ये हम इसको सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो हमारी जो क्लच वाली जो एडजस्टर केबल है ये कोई भी रिमूव नहीं हो रहा, बल्कि ये वैसे तो फ्री है लेकिन मोटर जिसके हिसाब से आगे पीछे वायर नहीं हो रही है। मोटर बिल्कुल फ्री है, रॉड बिल्कुल फ्री है। एक बार और चेक करते हैं, खींच के देखते हैं कि क्या पता हाथ के प्रेस से आ रही हो, लेकिन हाथों का भी जोर लगाने के बाद भी ये जो है क्लच खींच नहीं पा रहा है अंदर को और ना बाहर को। तो हम इसको अब खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये हमने 10 नंबर के जितने भी बोल्ट थे कवर के वो खोल लिए हैं। इनको रखते हैं एक साइड और अब जो है पेचकस की मदद से थोड़ा सा जिसमें गैप बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर जो है सील लगी रहती है रबड़ की, जिसकी वजह से जो है हमारी पैकिंग सील्ड हो जाती है ताकि इसके अंदर जो ग्रेसिंग रहती है वो पिघल करके बाहर ना आए। तो थोड़ी सी जो है हल्का सा जो है चोट मार के देखते हैं, निकल जाती है तो ठीक है। और अब हल्का हल्का जो है थोड़ा इसमें चोट मारेंगे, चोट जो है बहुत आराम आराम से मारनी है, नहीं तो क्या होता है एल्युमिनियम की पतली सी परतें होती हैं और ये एकदम से जो है चटक जाती हैं, फिर असेंबल करने में परेशानी होती है। तो थोड़ा आराम आराम से हल्की हल्की और चोट मार के थोड़ा सा जो है पैकिंग का गैप बनाने की कोशिश करते हैं। पेचकस से थोड़ा सा चोट मारते हैं आराम आराम से, देखिए हल्का सा पैकिंग ने जो है अपनी जगह छोड़ी है। अब इसके बाद हम जो है दूसरे तरफ चोट मार के जो है जो हमारे बैलेंस है इसको बराबर करते हैं, और ये हमारा कवर निकल गया। ये देखिए कवर के अंदर कुछ भी नहीं है, देखो कवर के अंदर जो है कवर के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है कवर के अंदर। बस खाली जो हमारा जो स्प्रिंग की जो टेंशन होती है उसको जो है रोकने के लिए जो है वो चिमनी बनाई गई है। अब हम इसका जो है गियर निकालते हैं,
थोड़ा सा सावधानी से निकालना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग होते हैं, अगर ज़रा सा भी जो हमने लापरवाही करी तो स्प्रिंग बाहर निकल गए थे, उछल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है देखो हमारा जो है क्लच वायर बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है, ऊपर नीचे पंचिंग हो रही है। हम इसकी जो है डस्ट वायर पहले हम एडजस्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी डस्ट जो है कैप निकालेंगे। थोड़ा हार्ड हो चुका है क्योंकि रबड़ जो है ठंडे और जो है गर्म में जो है हार्ड हो जाती है। आराम आराम से निकालते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा करके निकालते हैं इसको, क्योंकि जो है वायर काफ़ी हार्ड हो चुकी है, तो थोड़ा सा हम इसमें मोवरे लगाएंगे, ऐसे निकल नहीं रही है, हम थोड़ा मोवरे लगाते हैं। और ये मोवरे निकालते ही हमारी वायर और डस्ट कैप निकल गई वायर से। हम ये अपनी वायर निकाल लेते हैं और साथ में हमारा जो गियर गियर निकल गया। ये हमारी जो रोटेट हो रही है यही हमारे जो है मोटर को गियर लगाने में मदद करता है, बैक गियर और जो है फर्स्ट गियर लगाने में, जिसकी वजह से हमारे जो है फर्स्ट गियर लगता है या बैक गियर लगता है। अब हम इसकी मोटर को चेक कर देते हैं कि हमारी मोटर प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। देखो मोटर हमारी ये देखो एक तरफ जो है राइट साइड घूम रही है 12 वोल्ट सप्लाई देने के बाद, अब हम इसको जो है लेफ्ट साइड घुमा के देख लेते हैं। देखिए हमारी लेफ्ट साइड भी घूम रही है, मतलब हमारी मोटर प्रॉपर काम कर रही है, जो प्रॉब्लम है हमारे गियर में ही है जिसकी वजह से हमारा गियर नहीं लग रहा है और गाड़ी जो है आगे पीछे नहीं हो रही। अब इसके अंदर जो है एक पिस्टन और एक स्प्रिंग होता है जिसको निकालते हैं हम। सबसे पहले हम ये जो है लॉक निकालेंगे, इस लॉक के नीचे एक पिस्टन एक स्प्रिंग होता है। आराम से ताकि जो है लॉक भी ना ख़राब हो और हमारा जो है जहाँ लॉक बोर्ड बैठता है वो सीट भी ख़राब हो। देखिए लॉक निकलते ही हमारा पिस्टन बाहर आ गया। पिस्टन में एक कट होता है जो ऊपर नीचे के ही काम आता है, वो घूमता नहीं है पिस्टन। ये हमने निकाल लिया पिस्टन। ये नीचे एक स्प्रिंग है, देखिए अंदर अब कुछ भी नहीं है इसके।
स्प्रिंग और एक पिस्टन, पिस्टन के अंदर भी कुछ नहीं है। अब हम करते हैं इसकी धुलाई। देखिए ये लॉक है जो पिस्टन को घूमने नहीं देता है, केवल आगे पीछे ही जंप देता है। तो हमने जो सामान खोला है, अब हम इसकी धुलाई कर लेते हैं। देखो ये हमने धो लिया है हमने सारा सामान ट्रे में। थोड़ा सा पिस्टन रह गया है तो इसे एक बार और जो है साफ कर लेते हैं। अच्छी तरह से धो लेते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ग्रीस लगी हुई है वो बिल्कुल सूख चुकी है। हमने सब सामान धो लिया है और थोड़ा सा हम जो है इसका असेंबलर है इसकी भी सफाई कर देते हैं। सफाई बढ़िया ढंग से करनी है अंदर अंदर, क्योंकि हमने मोटर खोलनी नहीं थी जिसकी वजह से हमें प्रॉपर जो है इस पर धो नहीं सकते, नहीं तो फिर मोटर के अंदर कचरा चला जाएगा। इसलिए हम केवल बाहर बाहर से जितना भी अंदर हो सकता है उसको साफ कर लेते हैं। हम लगाते हैं स्प्रिंग और ये पिस्टन। गरारी की बैरिंग, गरारी की जो बैरिंग है उन पर थोड़ी सी ऑयलिंग करके ग्रीसिंग करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे बैरिंग की सीट में तो कोई स्क्रैच नहीं आया है ना। अपना जो है ये गियर की जो है गरारी है इसे भी जो है ऑयलिंग कर लेते हैं। हमने ऑयलिंग कर ली है। प्रॉपर साफ कर रख कर कर दिया हमने।
स्प्रिंग है, अब ये हम पिस्टन फंसा रहे हैं। ये प्रॉपर वर्क कर रहा है ये स्प्रिंग। ज़्यादा से ज़्यादा ऑयलिंग कर रहे हैं ताकि जो है हमारा पिस्टन चलने में जो है रबड़ ना आए। ग्रीसिंग कर लेते हैं कि हमारे लॉक पे लॉक है जो हमारे पिस्टन को जो है राउंड होने नहीं देता है, केवल ऊपर नीचे के अलावा। प्रॉपर फ्री एकदम जो है आराम से, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि एक बार अगर फिटिंग बढ़िया हो जाती है तो दोबारा जो है खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तो हम लगाएंगे लॉक पिस्टन का। इनको थोड़ा सा स्प्रे प्रेस करके लॉक फंसाते हैं उसके कट में। और ये हमने अपना लॉक फंसा लिया है। लॉक को एक बार हम घुमा करके देख लेते हैं कि लॉक प्रॉपर खांचे में हमारा बैठा है कि नहीं। पिस्टन फंसाने के बाद अब हम थोड़ा सा घुमा के देख लेते हैं और एक बार, क्योंकि है ना वो हल्का सा ऐसा लग रहा था कि तिरछा बैठा हुआ है। अब हम जो है ऊपर नीचे करके देख लेते हैं इसको। देखिए ये हमारा पिस्टन स्प्रिंग से वर्क कर रहा है। थोड़ा सा जो है लॉक हल्का सा जो है पिस्टन की तरफ आ गया था, तो उसको हमने जो है थोड़ा सा साइड करा। देखिए ये हमने इसको साइड कर दिया। अब हम इसका गियर लगाते हैं। देखिए ये थोड़ा सा जो है, क्योंकि जो हमारी गरारी होती है वो उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, वो नीचे जो है पिस्टन पर आ करके
रुक जाता है। तो गरारी को नीचे करने के लिए हमें गरारी को घुमाना पड़ता है, गियर मतलब गियर को जो है घुमाना पड़ता है ताकि उस गरारी से नीचे आ जाए। अब हम लगाते हैं इसका सेकंड गियर, जो मोटर को और हमारी जो है क्लच गियर को जो है रोटेट करता है। ये हमारी जो है सपोर्टेड पिन और ये हम गियर लगाते हैं। थोड़ा सा गियर फंस रहा है तो हम अपना जो है गरारी को ऊपर कर लेते हैं और दोबारा लगाते हैं। थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेते हैं। अब हमने जो है ये गरारी के नीचे आ गया, अब हमारी मोटर घूम रही है। देखिए हमारा जो है गियर क्लच वाला भी घूम रहा है, इसको आगे पीछे करने पर देखिए। अब हम इसके अंदर ग्रीसिंग करते हैं। बढ़िया ढंग से ग्रीसिंग करनी है क्योंकि ग्रीसिंग ही है जो हमारे जो है इस क्लच को ऑयलिंग जो है करेगी बाद में, गर्म होने के बाद जब हमारा क्लच गर्म होता है। तो ये हमारा कवर है जो पहले जो है सील्ड था जिससे हमारे जो है ऑयलिंग लीकेज नहीं होती है, तो इसको हम साफ कर लेते हैं। और हमने इसी के अंदर जो है ब्लैक सील लगा करके जो है दोबारा से हम कवर को जो है टाइट कर देते हैं। ये हमने रबर सील लगाई है पैकिंग के अंदर, पैकिंग के साथ, ताकि जो है हमारी जो है ऑयलिंग लीकेज ना हो। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं अपने सारे स्क्रू। अब हम करते हैं चेक। अब हमारी मोटर को देखो, हमने चेक कर लिया और अब हमारी मोटर आगे पीछे निकल रही है। अब हम करते हैं इसकी जो है बाकी फिटिंग है उसको असेंबली करते हैं। अब हम इसको ये डस्ट कवर अपना लगाते हैं जो हमने खोला था डस्ट कवर। डस्ट कवर हम लगा लेते हैं। अब हम इसको जो है गाड़ी की पहले जो एडजस्टिंग वाली जो गियर बक्से से जो जिसमें हम क्लच वायर लगाते हैं उसको चेक करते हैं पहले एडजस्टिंग के लिए, वो हमारी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वो हमारी काम कर रही है। अब हम इसके अंदर अपनी मोटर को असेंबल करते हैं गाड़ी के अंदर, फ्लूड के अंदर, क्योंकि हमारी मोटर प्रॉपर काम कर रही है तो अब हमारा गियर बक्सा ट्रांसमिशन जो है वो ऑटोमेटिक काम करेगा, जो गियर लग नहीं रहा था। तो अब हम इसके अंदर लगाते हैं और हमने लगा कर चेक कर लिया, मेन जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हमारे जिस मोटर में ही थी, क्योंकि जो पोर्ट बन रहा था इसका वो मैकेनिकल बन रहा था, जो हम करने के बाद इसकी फिटिंग को प्रॉपर जो है ठीक कर दिया है। थैंक यू टू वॉचिंग।